माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है सैटरडे एंड सैटरडे को मैं आरू को स्कूल भेज के, अनूप को ड्यूटी भेज के अपना दोपहर का लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ। सैटरडे था तो आज आरू के टिफिन में कैबेज था, तो उसका कैबेज का सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मेरा सुबह में नाश्ता हो गया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरवा चावल का खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं सैटरडे को एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेती कि दोपहर में क्या बनाना है, एकदम पहले से प्रिपरेशन होता है कि हाँ आज खिचड़ी बनना है। मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स भी रहती हूँ कि अगर आप पहले से डिसाइड किए रहते हैं ना कि हम लोगों को क्या आज बनाना है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। ऐसे बहुत सोचती हूँ क्या बनाऊँ, कल ही गोभी बनाई हूँ तो आज क्या बनाऊँ, ऐसे होता है, तो बहुत परेशान रहती हूँ। तो अभी मैं लगता है 9:30 बज रहा होगा और मैं दोपहर का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर देती हूँ। पहले भी आपको बताई हूँ मैं अपने व्लॉग्स में कि थोड़ा सा करके जाती हूँ, तो उधर से आती हूँ तो नाश्ता करती हूँ तो फटाफट से चढ़ा देती हूँ खाना। ऐसे पूरा प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज पूजा नहीं करना है क्योंकि मैं फ्राइडे को एग खाई थी, तो सैटरडे को मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। तो अभी मेरी मेड भी आ गई है और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं नहा धो ली, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके गई थी, नहा के चली आई हूँ। उसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर रही हूँ। आप अपना सैटरडे कैसे स्पेंड करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, आरू और अनु बिल्कुल गर्म पानी ही पीते हैं। मैं थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी भी लेती हूँ, बट इन लोगों को एकदम गर्म पानी ही चाहिए। तो मैं उस सेलो का जो होता है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ गर्म करके। तो ये मिल्टन में ना मैं रखती हूँ, रात में सुबह तक चलता है, फिर सुबह में डालती हूँ तो रात तक चलता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और क्या होता है ना, बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं दाल चढ़ाई हूँ, आलू उबाल के मैं उसका चोखा बनाऊँगी, मटर गोभी और ये जो पालक, ये सबको कट करके अच्छे से फ्राई करके और इसके बाद मैं खिचड़ी में इसे डालती हूँ। और मैं पतीले में ही खिचड़ी बनाती हूँ, आपको तो पता ही, बहुत लोग कुकर में बनाते हैं, मेरी सिस्टर भी कुकर में ही बनाती है, बट मेरे को कुकर वाला उतना पसंद नहीं था, थोड़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है। मेरे को माँ मेरी हमेशा पतीला में ही खिचड़ी बनाती थी, तो मेरे को वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारा सब्ज़ी को कट करके अच्छे से वॉश कर ली थी, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इधर मेरा आलू हो गया, तो उसको निकाल के मैं उधर रख दी हूँ। और ये मसूर दाल और मूंग दाल को मैं अच्छे से हल्का सा एक सीटी में उबालती हूँ, सब खड़ा रहता है तो ही मैं इसमें हल्दी नमक डाल के इसे थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको उबाल लूँगी। और फिर अलग से मैं चावल उबालती हूँ, उसके बाद दोनों को मिक्स करके सारा वेजिटेबल डाल के मैं खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी बहुत ही अच्छा बनता है और मेरे हस्बैंड को सिर्फ मेरे हाथ का ही खिचड़ी पसंद है। और कहीं भी खाते तो उनको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बोलते अच्छा है पर वैसा नहीं लगता है जैसा तुम बनाती हो। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ प्रिपेयर कर लेती हूँ अपना दोपहर का लंच, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आज मेरा वाव का जो ये बड़ा सा डब्बा आप देख रहे हैं, वाव के प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार था। तो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये बड़ा डब्बा आज सुबह ही रिसीव की हूँ मैं, और मैं इसको ओपन नहीं कर रही थी कि मैं अपने साथ इसको शूट भी करूँगी कि इसमें क्या क्या आया है मेरा। तो इसमें 3-4 आपको मिलते हैं गिफ्ट और 2 मेन चीज़ है प्रोडक्ट है, एक है शैम्पू एंड है एक फेस वॉश, ठीक है। तो ये पूरा जो बॉक्स है इसमें 799 रुपीज़ मेरा लगा है। और इसमें 2 जो चीज़ है एकदम बहुत नेसेसरी था, मैं इसी दोनों को मंगाई थी, बट इसमें सारा जो बाकी जो मिला है वो गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो ये पर्ची है, साइड में रख देती हूँ उसको। और ये है मेरा वाव का शैम्पू, रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू,
इसमें पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, कलर नहीं है, बहुत ही डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। बट ये 1 लीटर का मैं मंगवाई हूँ, पहले मेरा छोटा था 250 ग्राम या 400 ग्राम ऐसे का था। उसके बाद ये है फेस वॉश। फेस वॉश के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा ही होगा सारे स्किन टाइप्स के लिए है। मेरा थोड़ा स्किन ड्राई है तो ये ड्राई वालों के लिए है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है। ये फोमिंग फेस वॉश है, ये अंदर से कुछ इस तरह का है, बहुत अच्छा होगा आई नो, बट मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ पहले। यहाँ से पंप है, आप इसका फोम यहाँ से आपका निकलेगा। और ये 399 रुपीज़ का है, बहुत अच्छा है, मुझे 349 रुपीज़ का है। एंड मुझे पता है ये बहुत बढ़िया होगा, इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसा लगा मेरे को, ठीक है। तो ये देखिए, पहले शैम्पू एंड मैं ऑयल मंगाई थी, इसमें जो छोटा वाला है इसमें गिफ्ट आया है, बड़ा वाला मैं घर पे यूज़ करती हूँ पहले से मेरे पास। यहाँ पे है विटामिन सी का फेस वॉश, और ये फेस वॉश अभी बंद है क्योंकि मैं इसको तुरंत मंगवाई हूँ, यूज़ नहीं की हूँ। ये ब्राइट करता है स्किन को और स्पॉट्स को भी मतलब हटा देगा, रिड्यूस फाइन लाइन्स, बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद बताऊँगी। उसके बाद बारी आती है ये छोटा छोटा जो भी है ये मेरा गिफ्ट है। एंड ये उसके बाद है ये शैम्पू है, ब्लैक रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। ये छोटा सा है, मैं कहीं जाऊँगी आऊँगी तो इसको यूज़ करूँगी। तो ये शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया एंड छोटा सा ऑयल हो गया। उसके बाद ये दो आया है स्पिनिच का सीड्स, यानी पालक साग का सीड्स है, इसको मैं ज़रूर लगाऊँगी, ठीक है, ये गिफ्ट में मुझे मिला है। उसके बाद ये आता है बारी इसकी आती है, ये है ये डिओड्रेंट है या स्प्रे कहूँ, स्प्रे ही है, परफ्यूम है। एंड ये बहुत अच्छा है, इसमें भी पैराबीन नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इसका पता है ये जब आया था ना तो मैं इसको ध्यान नहीं दी थी, मैं सोचा ऐसे ही कुछ होगा, तो मेरे ना बड़ा स्मेल आ रहा था, तो मेरे को कहाँ से ये खुशबू आ रहा है भाई। तो फिर मैं ध्यान से देखी कि अरे ये तो इसके अंदर में था ना, तो मुझे पता नहीं चला, ये तो स्प्रे है, परफ्यूम है, बहुत ही अच्छा खुशबू था। मैं इसको कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पॉकेट फ्रेंडली है, एकदम अच्छा आपसे कन्वीनियंट है, आपके पर्स में, क्लच में, सब में आ जाएगा। तो जो जितना भी छोटा छोटा प्रोडक्ट है मैं इसको यूज़ करूँगी अपने आने जाने में, कहीं ट्रैवल करूँगी तब। ये है मेरा बहुत सारा फेस वॉश, शैम्पू एंड सारा जो छोटा छोटा है वो मेरा गिफ्ट है। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद भी मैं बता सकती हूँ कि हाँ, शैम्पू और ऑयल का तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा ही मैं ऑयल का सैशे आपको दिखाई थी, बटर शैम्पू और ऑयल एंड मेरा कंडीशनर का पैक आया था 3 का, वो बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए। बट मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया, कंडीशनर थोड़ा सा है एंड ऑयल तो आप पता है बहुत थोप के कोई लगाता नहीं है, तो वो बचा हुआ था, हाफ था, ठीक है। तो उसका रिव्यू मैं अब ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ मैं अपना जो भी मेरा मिर्च आया था कल, तो उसको ना मैं डंटल को तोड़ देती हूँ क्योंकि उससे बहुत दिन तक रह जाता है आपके डब्बे में, और इसको आप बंद करके रख दिए टाइट कंटेनर में तो काफ़ी लंबा समय तक रहेगा। वॉश कर दीजिए, उसके बाद मैं इसको सुखा देती हूँ और उसके बाद डब्बा में रख देती हूँ, तो काफ़ी दिन तक चलता है। इतना मिर्च तो मेरे को बहुत दिन चलेगा क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है और उतना मिर्च हम लोग यूज़ करते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ दाल भी हो गया, यहाँ मैं पुदीना और इमली का चटनी पीस रही हूँ। पुदीना मेरे घर में नहीं है बट मैं डेफिनेटली लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत ही यूज़फुल थिंग है, क्योंकि मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैं बगल से मांग के लाई थी भाभी के यहाँ से, तो उसका मैं चटनी बनाऊँगी। चोखा मेरा रेडी है एंड यहाँ पे फटाफट से बनाती जा रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अनुप आएंगे तो क्योंकि अभी 2:30 बजने वाला है और 2:30 बजे तक मैं खाना बना के रेडी था। तो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये बड़ा डब्बा आज सुबह ही रिसीव की हूँ मैं, और मैं इसको ओपन नहीं कर रही थी कि मैं अपने साथ इसको शूट भी करूँगी कि इसमें क्या क्या आया है मेरा। तो इसमें 3-4 आपको मिलते हैं गिफ्ट और 2 मेन चीज़ है प्रोडक्ट है, एक है शैम्पू एंड है एक फेस वॉश, ठीक है। तो ये पूरा जो बॉक्स है इसमें 799 रुपीज़ मेरा लगा है, और इसमें 2 जो चीज़ है एकदम बहुत नेसेसरी था, मैं इसी दोनों को मंगाई थी, बट इसमें सारा जो बाकी जो मिला है वो गिफ्ट मिला, ठीक है। तो ये पर्ची है साइड में रख देती हूँ उसको,
और ये है मेरा वाव का शैम्पू, रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, कलर नहीं है, बहुत ही डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। बट ये एक लीटर का मैं मंगवाई हूँ, पहले मेरा छोटा था 250 ग्राम या 400 ग्राम ऐसे का था। उसके बाद ये है फेस वॉश। फेस वॉश के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा ही होगा सारे स्किन टाइप्स के लिए है। मेरा स्किन ड्राई है तो ये ड्राई वालों के लिए है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है। ये फोमिंग फेस वॉश है, ये अंदर से कुछ इस तरह का है, बहुत अच्छा होगा आई नो, बट मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ पहले। यहाँ से पंप है, आप इसका फोमिंग फोम यहाँ से आपका निकलेगा। और ये 399 रुपीज़ का है, बहुत अच्छा है, मुझे 349 रुपीज़ का। एंड मुझे पता है ये बहुत बढ़िया होगा, इसका रिव्यू मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी कैसा लगा मेरे को, ठीक है। तो ये देखिए पहले शैम्पू एंड मैं ऑयल मंगाई थी। इसमें जो छोटा वाला है इसमें गिफ्ट आया है, बड़ा वाला मैं घर पे यूज़ करती हूँ पहले से मेरे पास। यहाँ पे है विटामिन सी का फेस वॉश, और ये फेस वॉश अभी बंद है क्योंकि मैं इसको तुरंत मंगवाई हूँ, यूज़ करती हूँ। ये ब्राइट करता है स्किन को और स्पॉट्स को भी मतलब हटा देगा, रिड्यूस फाइन लाइंस, बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैं यूज़ करूँगी उसके बाद बताऊँगी। उसके बाद बारी आती है ये छोटा छोटा जो भी है मेरा गिफ्ट है। एंड उसके बाद है ये शैम्पू है ब्लैक, रेड अनियन ब्लैक सीड शैम्पू। ये छोटा सा मैं कहीं जाऊँगी आऊँगी तो इसको यूज़ करूँगी। तो ये शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया एंड छोटा सा ऑयल हो गया। उसके बाद ये दो आया है स्पिनच का सीड्स यानी पालक साग का सीड्स है, इसको मैं ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है, ये गिफ्ट है मुझे मिला। उसके बाद ये डिओड्रेंट है या स्प्रे कहूँ, स्प्रे ही है, परफ्यूम है। एंड ये बहुत अच्छा है, इसमें पैराबिन नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इसका पता है ये जब आया था ना तो मैं इसको ध्यान नहीं दी थी, मैं सोचा ऐसे कुछ होगा तो मेरे को बड़ा स्मेल आ रहा था, तो कहाँ से ये खुशबू आ रहा है भाई। तो फिर मैं ध्यान से देखी, अरे ये तो इसके अंदर में था ना, तो मुझे पता नहीं चला ये तो स्प्रे है, परफ्यूम है, बहुत ही अच्छा खुशबू था। मैं इसको कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पॉकेट फ्रेंडली एकदम अच्छा से कन्वीनियंट है, आपके पर्स में क्लच में सब में आ जाएगा। तो जो जितना भी छोटा छोटा प्रोडक्ट है मैं इसको यूज़ करूँगी अपने आने जाने में, कहीं ट्रैवल करूँगी तब। ये मेरा बहुत सारा फेस वॉश शैम्पू एंड सारा जो छोटा छोटा है मेरा गिफ्ट है। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद भी मैं बता सकती हूँ कि हाँ शैम्पू और ऑयल का तो मैं बता सकती हूँ, मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा ही, मैं ऑयल का सैश आपको दिखाई थी, पता शैम्पू और ऑयल एंड मेरा कंडीशनर का पैक आया था तीन का, वो बहुत ही यूजफुल था मेरे लिए। बट मेरा शैम्पू खत्म हो गया और कंडीशनर थोड़ा सा है, एंड ऑयल तो आप पता है बहुत थोक को लगाता नहीं है तो वो बचा हुआ था हाथ, ठीक है। तो उसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ मैं अपना जो भी मेरा मिर्च आया था कल, तो उसको मैं डेंटल को तोड़ देती हूँ क्योंकि उससे बहुत दिन तक रह जाता है आपके डब्बे में, और इसको आप बंद करके रख दीजिए कंटेनर में तो काफ़ी लंबा समय तक रहेगा। वॉश कर दीजिए, उसके बाद मैं इसको सुखा देती हूँ और उसके बाद डब्बा में रख देती हूँ तो काफ़ी दिन तक चलता है। इतना मिर्च तो मेरे को बहुत दिन चलेगा क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है और उतना मिर्च हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दाल भी हो गया, यहाँ मैं था पुदीना और इमली का चटनी पीस रही हूँ। पुदीना मेरे घर में नहीं है बट मैं देख लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत ही यूजफुल थिंग है। मैं बिरयानी बनाती हूँ तो इसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैं बगल से मांग के लाई थी भाभी के यहाँ, तो उसका मैं चटनी बनाऊंगी। चोखा मेरा रेडी है एंड यहाँ पे खिचड़ी में चढ़ा रही हूँ और फटाफट से बनाती जा रही हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि अनुप आएंगे तो वो कहेंगे खाना बना है या कि नहीं, क्योंकि अभी 2:30 बजने वाला है और 2:30 बजे तक मैं खाना बना के रेडी कर लूँगी।
लीजिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।